आज के वीडियो में आपको सलमान खान की क्रिटिकल कंडीशन के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सलमान खान सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री के ही भाईजान नहीं हैं। सलमान खान को टीवी इंडस्ट्री का भी भाईजान माना जाता है। सलमान खान टीवी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा पेड होस्ट हैं और सलमान खान बिग बॉस जब से होस्ट कर रहे हैं, सलमान खान बिग बॉस के एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। सलमान खान के बगैर बिग बॉस बिल्कुल अधूरा सा लगता है, लेकिन अब शायद ऐसा हो कि सलमान खान बिग बॉस को होस्ट ना कर सके। आपको बताते चलें कि सलमान खान इस समय डेंगू का शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि सलमान खान को डेंगू डायग्नोस हो चुका है। उनकी तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी और फिर जब उन्होंने टेस्ट करवाए तो पता लगा कि उनको डेंगू है। उनकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है और आपको ये भी पता है कि डेंगू में मोस्टली व्हाइट प्लेटलेट्स हमारी बॉडी से कम होते जाते हैं। ऑल्दो उनकी हेल्थ कंडीशन को फुल्ली एब्जॉर्ब किया जा रहा है और उन्हें हर तरह की केयर प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन स्टिल वो अभी बीमार हैं और ये भी बताया गया है कि वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं। किस हॉस्पिटल में है ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन सलमान खान इस समय डेंगू फीवर का शिकार हैं और इसी के चलते वो बिग बॉस के इस सीजन के वीकेंड वार को होस्ट नहीं कर पाएंगे। और रिपोर्टेडली ये भी बताया जा रहा है कि शायद सलमान खान के जगह इस हफ्ते करण जौहर जो है वो इस बार वीकेंड का वार होस्ट करते वे दिखाई देंगे। अब देखना यह है कि क्या करण जौहर सलमान खान की तरह इस शो को होस्ट कर पाते हैं, या जिस तरह से करण जौहर ओटीटी बिग बॉस एक ही सीजन में बंद करवा दिया, वो इसको भी ऐसे ही बंद करवा देंगे। ऑल्दो वी विश अ वेरी हेल्दी रिकवरी टू सलमान खान, सलमान खान के बगैर बिग बॉस बिल्कुल अधूरा है और बिग बॉस में कोई चार्म ही नहीं रहता जब तक सलमान खान उसमें नजर ना आए। तो खैर, सलमान खान इस समय हॉस्पिटल में है और हम सबको उनके लिए प्रे करना चाहिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आप सब भी सलमान खान को अपने प्रेयर्स में जरूर याद रखिएगा और आपको सलमान खान के बगैर बिग बॉस कैसा लगेगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।